मैं जिस वीडियो में देख रहा हूँ सो ही रहा है, एक पैर उठाता है और फिर सो जाता है। वीडियो आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम आपको सिंगापुर का जू दिखाने लेके जा रहे हैं। ये एशिया का नंबर वन और वर्ल्ड का फिफ्थ बेस्ट जू है। हमारा इनिशियल प्लान आपको रिवर सफारी ले जाके पांडा दिखाने वाला था, पर वी हैड अ चेंज इन प्लान। आइडली वी वर प्लानिंग फॉर रिवर सफारी, बट वहाँ पे जो मेन बोट राइड होती है वो मिसिंग है। पांडा अभी था बट बोट राइड जो है वो एक क्रूशल पार्ट है जिसकी वजह से वी वांटेड टू गो वहाँ पे। एनीवेज द थिंग इज नाइट सफारी, जू और रिवर सफारी एक साथ हैं, तो नाउ वी आर हेडिंग फॉर जू। और आईज भी ब्लिंक नहीं हो रही है। वापस आते हुए चेक करेंगे अगर इसी पोजीशन पे, दैट मींस नकली थे वरना असली थे। वी आर वेरी कंफ्यूज, वी आर वेरी कंफ्यूज सीइंग दिस कि असली थे या नकली थे। बोर्ड पे लिखा है कि ये मगरमच्छ होते हैं बट कोई और दिख नहीं रहा था एंड दीज वर लाइक नॉट इवन मूविंग, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि हाँ कुछ ज़्यादा ही अच्छे फोटोजेनिक पोज में बैठे हुए हैं दोनों। हाँ मतलब सब हैप्पी हैप्पी चल रहा है, विच वाज थोड़ा अनरियलिस्टिक। उसको सुनाया ऊपर भी तो बैठा है एक बंदा। कहाँ? ओह हाँ, ये तो बिल्कुल ही चिल कर रहा है, ये चाहिए जिंदगी में। हाउ लाइक तो थोड़े बहुत बंदर देखने के बाद अब एक शो है यहाँ पे, एंड इनफैक्ट एक शो नहीं है यहाँ पे, थ्रू आउट द डे कुछ ना कुछ शो होते रहते हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गेट क्या है पैम्पलेट है वो क्या था वेबसाइट में, वेबसाइट में मेंशन है तो जू पे। ओके, तो बेसिकली जू की वेबसाइट पे बहुत सारे शोज होते हैं, उनके टाइमिंग मेंशन है, तो वो जरूर देख लेना व्हेन यू कम, क्योंकि बहुत अच्छे से अरेंज कर रहा होता है एंड इट शुड बी अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। अभी हम सेव द रेन फॉरेस्ट करके एक शो है उधर जा रहे हैं, लेट्स सी कैसा रहता है। ऑलरेडी तोता बैठा हुआ है वहाँ। फाइनली द शो इज़ ओवर नाउ, बहुत मस्त शो था। बेसिकली इट्स अबाउट प्रिजर्विंग रेन फॉरेस्ट और बहुत अच्छे से दिखाते हैं, बहुत धासू धासू बर्ड्स होती हैं और बहुत धासू धासू छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं। सो यू आर गोइंग टू एन्जॉय इट अ लॉट। अभी तक हम बंदर और ये चिड़िया देखते हैं, इट्स टाइम कि हम थोड़ा बड़े वाले जानवर देखा जाए। दे ऑल्सो हैव वाइट टाइगर यहाँ पे एंड जिराफ, तो अब वो वाली चीज़ें ढूंढ रहे हैं।
मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड नाउ. एक फाइनल शो है, जैसे हमने पहले सेविंग द रेन फॉरेस्ट था, ऐसी एक सील से एसोसिएटेड शो है जो कि हम देखने जा रहे हैं. सेम जगह ही होता है, तो वी ऑलरेडी नो कहाँ पे हो रहा है. द अदर थिंग इज कि एक दो चीज़ें हैं, अगर आप यहाँ आओ तो आई वुड से थोड़ा क्लाउडी वेदर में आना, कोशिश करना कि वेदर देख के आओ यहाँ पे, एंड जिस दिन भी कम धूप हो तब आने का प्रेफरेंस यहाँ पे रखना, क्योंकि धूप में घूम के थोड़ा थकान हो जाती है थ्रू आउट द डे. द अदर थिंग इज़ दैट कि थोड़ी ड्रिंक्स अपने साथ रखना, स्पेशली इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया. तो क्या होगा, आपको जो अंदर ड्रिंक्स हैं, जैसे इंडिया में भी महंगी होती हैं, मार्क्ड अप होती हैं, तो जो बाहर $1 की चीज़ है वो यहाँ पे $3 की हो जाती है. सो थोड़ा हो सकता है उस एस्पेक्ट में आपको वो खलें, बट बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग अ टूरिस्ट प्लेस, हर जगह ही ऐसा होता है. नाउ लेट्स गो टू आर फाइनल शो. तो अभी शो स्टार्ट होने में अराउंड 5 मिनट्स बाकी, एंड ऑलमोस्ट सारा जो ऑडिटोरियम है भर चुका है. द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस शो इज़ वेरी वेरी हाई, एटलीस्ट फॉर मी, बिकॉज आखिरी शो है ये टू इवनिंग का. सो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस वुड बी समथिंग रियली रियली स्पेशल. बट लकली एक चीज़ है कि हम लोग देर में आए, बट फिर भी हमें जो सीट्स चाहिए थी वैसी सीट्स मिल गई, एंड वी वर एबल टू सिक्योर द राइट पोजीशन. Upset with me, but why? Oh, well, ladies and gentlemen, I just to mention that sea lions, especially Philip over here, is intelligent and good looking. A broken flipper. Now that is how a sea lion moves with a broken flipper, and that really, really hurts. Besides that, fishing nets that are left behind, they get entangled, they drown, and they... Okay, this is called prophecy! यहाँ तक देख ही रहे थे तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू द चैनल.